संगम देवतना गुरु प्रेम कपटलेना भुवनारी मनहारी सुकुमाली नंबर। नमस्ते, मैं नीतू सुगरवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पर। सो दोस्तों, आप सभी जानते हैं जैसा कि जन्माष्टमी का त्यौहार आ रहा है तो जन्माष्टमी के त्यौहार पर मिठाइयाँ तो बनती ही हैं। सो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं धनिया की बर्फी। धनिया की पंजीरी तो आपने खाई होगी, क्या आपने धनिया की बर्फी खाई है? तो चलिए आज हम आपको धनिया की बर्फी बनाना सिखाते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे इसे शेयर कीजिए जिससे सभी लोग इस चीज़ का फायदा उठा सकें। चलिए तो अब हम धनिया की बर्फी बनाना स्टार्ट करते हैं और उसके लिए सामग्री है मेरे पास, ये कुछ धनिया है, मैंने एक कप धनिया ले लिया है और ये मेरे पास चीनी है, शक्कर है और ये एक कप नारियल का बुरादा है और ये कुछ ड्राई फ्रूट हैं जो अगर आपके पास हैं तो डालें, नहीं है तो कोई बात नहीं है, हम सादा भी बना सकते हैं। ये मैंने कढ़ाई गैस पर चढ़ा ली है और इसमें मैंने थोड़ा सा घी डाल लिया है एक चम्मच। अब इसमें हम अपने धनिया पाउडर को भूनेंगे। अगर आपके पास साबुत धनिया है तो कोई बात नहीं है, आप साबुत धनिया भी मिक्सी में डाल के पीस के बना सकते हो। मेरे पास पाउडर है तो मैं उसी का बना रही हूँ। आप देख सकते हो मेरे धनिया ने थोड़ा सा कलर चेंज किया है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही करना है। और इसे करीब 3 से 4 मिनट हो गए भूनते हुए, अब इसे हम निकाल लेंगे। आप देख सकते हो मेरे धनिया का कलर कितना प्यारा आया है भून के, और इसे हम कढ़ाई से निकाल लेते हैं। अब इसमें थोड़ी सी एक चम्मच हम घी और डालते हैं और जो नारियल का बुरादा था उसे भी हम भूंज लेते हैं और इसे भी 2 से 3 मिनट तक भूंजेंगे। जब हल्का सा इसे इसका कलर चेंज होने तक भूंजेंगे, बिल्कुल हमें मीडियम गैस पर ही भूनना है इसे। आप देख सकते हो मेरे बुरादे का भी कलर चेंज हो चुका है, मतलब और ये खुशबू भी दे रहा है, तो ये भून के तैयार है, इसे भी हम निकाल लेते हैं। चलिए, ये मेरी बर्फी के लिए जो बुरादा और वो भून चुका है, अब हम चाशनी बनाते हैं। चाशनी के लिए मैंने 1 गिलास पानी ले लिया है और ये मैं चीनी डाल रही हूँ, तो इसे हम चाशनी बनाते हैं। तो आप देख रहे होंगे बिल्कुल हमें एक गोली की प्रकार से हमें चाशनी बनानी है, ज़्यादा टाइट भी नहीं और ज़्यादा वैसी भी नहीं, हल्की सी, हम 3 तार के बराबर चाशनी बनाएंगे। और ये आप देख सकते हो मेरी हल्की सी गोली, मतलब पानी में जो चाशनी जम रही है हल्की सी, हमें ज़्यादा कड़क भी नहीं करनी है। हम यहाँ पे गैस भी अपनी लो कर देते हैं, कहीं हमारी चाशनी ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए आप देख सकते हो ना ही एकदम जो गोली बनी हुई है और ना ही एक मतलब वैसी है। तो इसे हम अब हमारी जो कढ़ाई बन चुकी है चाशनी, अब इसमें हमने जो बुरादा भून के रखा था गरी का और जो धनिया पाउडर, तो उसे हम मिक्स करते हैं। अब यहाँ पे हम अपनी गैस को बंद ही कर लेते हैं, अभी इसमें हमें ज़्यादा चलाने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हो मैं इसे अच्छी तरीके से मिला लेती हूँ, इसमें कहीं गुठलियाँ ना रह जाएं, तो इसलिए मैं इसे चलाते हुए, इसमें कुछ ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, आप देख रहे होंगे। और मेरी करीब 5 से 10 मिनट में बर्फी बन के तैयार हो जाती हैं, तो इसे हम, ये मेरी बर्फी के लिए तैयार है। तो हम यहाँ पे गैस बंद कर देते हैं और थोड़ा सा हम 1 चम्मच घी और डाल देते हैं, इसे एकदम स्वाद भी अच्छा हो जाता है और इसका कलर भी एकदम सही आता है। घी से तो स्वादिष्ट ही चीज़ बनती है, आप जानते हैं घी का स्वाद तो हर चीज़ में ही अच्छा है। तो ये हमारी बन के तैयार हो चुकी है, तो हम एक थाली लेंगे और थाली में थोड़ा सा प्लेट में घी लगा लेते हैं और इसमें हम अपनी जो हमने बनाई थी उसे हम जमा लेंगे। और हाँ सॉरी, अब मैंने यहाँ पे इलायची डालना भूल गई, सो आप ऐसा ना करें, आप इलायची पाउडर अवश्य डालें। ये मैं ड्राई फ्रूट लगा लेती हूँ, इसे अच्छी तरीके से डेकोरेट कर लेते हैं, सजा लेते हैं। और ये हमारी बर्फी थोड़ी सी ठंडी होने के लिए हम करीब 1 घंटे के लिए इसे रख देंगे,
हमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और हमारी बन के तैयार हो जाती हैं थोड़े से ही समय पे। आप देख रहे होंगे ना, आपने धनिया की पनीरी तो बहुत सारी खाई होगी, अगर आपने धनिया की बर्फ़ी नहीं खाई है तो प्लीज़ एक बार ट्राई अवश्य करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको धनिया की बर्फ़ी कैसी लगी। तो दोस्तों आप देख सकते हो कितने ही बिल्कुल थोड़े से ही समय पे बर्फ़ी बन के तैयार है। अब ये हम आपको काट के दिखाते हैं पीसेस में। ये बर्फ़ी बन के तैयार है वो एकदम, इसके क्योंकि धनिया की बर्फ़ी है ना तो हम थोड़े छोटे छोटे ही साइज में काटेंगे, थोड़ी थोड़ी एकदम। ये खाने में भी ज़्यादा अजीब नहीं लगती है, एकदम बहुत ही प्यारा इसका कलर आया है और ये खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट बर्फ़ी बन के तैयार हो गई है। आप देख सकते हो कितने प्यारे पीसेस कट के तैयार हुए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो ये अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे इस चैनल को। मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय और आपको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। धन्यवाद।